हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे। आज आप लोग देख रहे हैं, आप लोग के सामने एक नया चीज रखा है ना? यस सर। मालूम है इसका नाम क्या है? आज जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है मापन। क्या नाम है? मापन। मापन है, और इसमें हम लोग ठोस वस्तु और तरल वस्तु दोनों को मापना सीखेंगे, है ना? यस सर। और इसमें हम लोग जो है टेलम है, टूल है, जिसका नाम है बकेट बैलेंस नाम है। क्या नाम है? बकेट बैलेंस। बकेट बैलेंस है ना? यस सर। इसके माध्यम से हम लोग आज जानेंगे ठोस और तरल पदार्थों के मापने के बारे में सीखेंगे, कैसे हम लोग मापते हैं, है ना? आप देख सकते हैं, तुम लोग देखा होगा वजन हम लोग जाते हैं मार्केट में, है ना? दुकान जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेते हैं, तो क्या करता है दुकानदार? तौल देता है ना कोई भी चीज? यस सर। कोई भी चीज तौल कर देता है हम लोग, है ना? तो हम देखते हैं एक तरफ रहता है तराजू, तराजू होता है एक तराजू के ऊपर एक तरफ बटखरा रहता है, है ना? एक तरफ सामान रखता है। हम लोग देखते हैं यहाँ, देख लीजिए यहाँ ना इसी तरह का तराजू होता है, बीच में जो है कांटा रहता है ना, देख लेंगे अभी क्या है आपके सामने। ये बकेट बैलेंस जो रखा गया है उसमें क्या है, दोनों तरफ से ये जो है ये बकेट रखे गए है ना, इसमें क्या है, इस दोनों देखिए, दोनों अभी खाली है ना। यदि हमको तरल पदार्थ मापना होगा, किस कौन पदार्थ? तरल पदार्थ। देख लीजिए ये है आपका पानी, क्या है ये? पानी। ये तरल है ना? यस सर। इसको बोलते हैं तरल, और ये है आपका क्या है, ये क्या है, ये जो छोटे छोटे बिट्स है ना, इसका नाम है ये ठोस है। क्या है ये? ठोस। ये ठोस हो गया, ये क्या हो गया? तरल हो गया। ठोस है ना ये जो होता, और ये क्या है? तरल है ना। तो अगर तरल को मापना होगा, तरल को मापने के लिए इसमें देखिए लिखा गया है 100 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml, 500 ml लिखा गया है इसमें भी, और देखिएगा तो इसमें भी लिखा गया है। ये 500 ml का दोनों बकेट्स है, कितने ml का है? 500 ml। यानी इसमें यदि हम डालेंगे तरल पदार्थ तो कुल तरल पदार्थ कितने आ जाएंगे? 500 ml तरल पदार्थ आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 500 ml। इसमें भी डालेंगे तो 500 ml आ जाएगा, है ना? चलिए 500 ml मापने का दोनों तरफ हमारे पास क्या है, बकेट्स लगे हुए हैं, है ना? यस सर। कितना माप सकते हैं इससे हम? 500 ml तरल पदार्थ होगा, चाहे वो पानी हो, तेल हो, दूध हो, ये सब तरल पदार्थ है, इसको हम लोग माप सकते हैं, है ना? अब हम लोग देखेंगे तरल जो है उसको माप कर हम लोग देखते हैं, है ना? अभी क्या दोनों खाली है ना? यस सर। हम क्या करते हैं, ये हमारे पास में देख रहे हो, ये जो है जग है जो, है ना? ये कितना ml का है? 50। इस पे लिखा हुआ है 10 ml, 20 ml, 30 ml, 40 ml, 50 ml, है ना? कितने हैं? 50 ml। अब इसमें हम पानी से भरते हैं, इसको भर गया, इसमें पानी कितना है अभी? 50 ml। 50 ml यदि हम इसमें डाल देते हैं, क्या देखिए, ये बकेट में पानी डाला गया, इधर उठ गया, इधर झुक गया, झुक गया ना? ये क्या बता रहा है, ये खाली है और इसमें कुछ रखा गया है। अभी आप लोग के सामने रखे थे, कितना पानी रखे है इसमें? 50 ml पानी रखे है ना? कितना पानी रखे इसमें? 50 ml पानी रख दिए, ठीक है? अब यदि हम 50 ml पानी रख दिए हैं तो इधर क्या हो गया है, झुक गया है। अगर इसको हमको पूरा भरना है, मान के चलिए, है ना? पूरा भरना है तो कितना इसमें रखना होगा, कितना ml पानी आ जाएगा इसमें? 500 ml पानी आ जाएगा ना इसमें। अगर हम इसमें क्या करते हैं, अब इधर ये आपका देखिए, ये क्या किए, इधर डाल दिए 100 ml वाले से, इधर झुक गया, इधर झुक गया ना? यस सर। मतलब 50 ml जो है क्या है, कम है 100 ml से। इसका क्या मतलब हुआ, 100 ml ज्यादा है,
पचास एम एल से, है ना। अगर इसको बराबर करना है इससे पचास एम एल, यदि हमको बराबर करना है पचास एम एल क्या करेंगे, पचास एम एल पानी इसमें तरल पदार्थ और डालो। एम एल पानी दोनों में आ गया ना, बराबर है। इसमें कितने बार रखे थे, दो बार, किस से, पचास एम एल वाले से। इससे इसमें रखे थे एक बार सौ एम एल। अब देखिए दोनों तरफ बराबर है हमारा, है ना। यस सर। अब तरल पदार्थ हम लोग माप लिए, है ना। अब मान के चलिए ये उठाते हैं और ये कितना का है, जग जो है कितना एमएल का है, लिखा हुआ है 250 में लिखा हुआ है ना। यस सर। चलिए बहुत अच्छे, आप इसको भर लिए 250 एमएल, है ना, 250 एमएल। यस सर। अब 250 एमएल हम इसमें डाल दिए पानी, 250 एमएल डाल दिए। पहले इसमें कितना था, 100 एमएल, आप 250 एमएल डाल दी, टोटल कितना पानी इसमें आ गया, 350 एमएल। कितना, 350 एमएल। इसमें भी कितना है, 100 एमएल। अच्छा आप बताइएगा ये 100 एमएल से कितना बार डालेंगे ताकि इसके बराबर हो जाएगा। सर इसके दो बार, 50 से एक बार। बहुत अच्छे, क्या बात है, आसिफ सही बता रहा है। यानी इससे डाल दिए दो बार, एक बार और डालिए तो हो जाएगा ये कितना हो गया 200 एमएल। कौन बड़ा अभी है, इधर झुका हुआ है ना। चलिए एक बार और डालते हैं, 300 एमएल हो गया। अभी कौन ज्यादा है, इधर वाला, इधर कितना है, 350 एमएल। अभी इसमें 50 एमएल और डालना होगा, चलिए हो गया। तो ये पक्का बराबर हो गया। क्या देखे, इधर भी 350 एमएल पानी है। यस सर। इधर भी 350 एमएल, इधर 350 एमएल जो बनाए थे वो 100 एमएल का कितना लिए थे, तीन गो, और 50 एमएल का जग डाले थे, हो गया 350 एमएल, हो गया ना। इस तरह से हम लोग तरल पदार्थ को मापना जान गए। अब हम लोग सीखेंगे, आप देखिए दोनों तरफ बराबर में है ना, इसका मतलब क्या है, दोनों संतुलन बराबर में है, अभी समझ जाएंगे कि ये सही है अभी, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे ठोस के बारे में, ये उत्तर के बारे में हो गया, अब हम लोग ठोस के बारे में देखेंगे। अब इस पानी में क्या करते हैं, इसमें से निकाल देते हैं, है ना। निकाल दिए, ये खाली हो गया ना, खाली हो गया ना। अब हम दोनों तरफ देखेंगे, अब जो हम लोग है ना ठोस, जो है ठोस उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग वजन करते हैं। ठोस वस्तु का हम लोग जो वजन करते हैं वो किलोग्राम में या ग्राम में करते हैं, किसमें, किलोग्राम या ग्राम में वजन करते हैं। हम मान लेते हैं ये जो है आपके सामने जितने भी रखे गए हैं बिट्स रखे गए हैं, ये दो दो ग्राम के, कितने ग्राम के, दो दो ग्राम के। देखेंगे एक बिट्स रखे, इधर झुक गया, इधर झुक गया है ना, एक बिट्स और रख देते हैं, इस पर कितना ग्राम हो गया कुल, चार ग्राम, चार ग्राम। एक बिट्स और रख दीजिए, छह ग्राम। एक बिट्स और रखिए, आठ ग्राम, आठ ग्राम हुआ ना। अब इस आठ ग्राम को हमको इधर भी आठ ग्राम बनाना होगा, तो कितने बिट्स डालने होंगे, चार, चार। देखिए तो एक नहीं हुआ बराबर, दो ग्राम चार ग्राम हो गया, छह ग्राम हो गया, आठ ग्राम हो गया, बराबर। दोनों तरफ आठ ग्राम जब हो गए तो क्या देखिए आप लोग, बराबर हो गया ना। यानी हम लोग जो है किसी भी चीज को, जो ठोस चीज होते हैं उनको जो वजन करते हैं हम लोग किसमें करते हैं, ग्राम में या फिर किलोग्राम में, ठीक है। अब आप लोग के सामने जो चीज हम लोग अपने दैनिक जीवन उपयोग करते हैं उसका वजन करके तुलना करके दिखाएंगे। आप लोग के पास पेन है, यस सर। अच्छा पेन लाइए, पेंसिल लाइए, पेन पेंसिल शार्पनर रबर जो भी है सब लाइए। तो आप लोग देखिए लाइए, ठीक है, रिया दी है, ठीक है, देखिए रख के हो गया, इतना जा क्या, ठीक है। चलिए ये है पेंसिल, है ना पेंसिल, इसको रखते हैं पेंसिल को, है ना, और इस तरफ रखते हैं रबर को, देख लीजिए
किसका वजन ज्यादा है? लगभग दोनों का वजन बराबर है ना। अच्छा ये रबर जो दिया है इस रबर रोकते हैं, देखिए इस रबर का वजन क्या है, ज्यादा थोड़ा पेंसिल से। तो किसका वजन ज्यादा है, भार किसका ज्यादा है? पेंसिल का भार कम है, रबर का भार ज्यादा है, किससे? पेंसिल से। अब देखेंगे आप रखते हैं, अब बताइए किसका वजन ज्यादा है, पेंसिल का ज्यादा है और कटर का कम है, ठीक है, बहुत अच्छा। अब यदि हम पेंसिल का वजन चेक करते हैं कितना ग्राम है, मान इसको कितना लिए थे, 2 ग्राम ना, देखते हैं। ओहो 2 ग्राम नहीं है, 2 ग्राम से ज्यादा है पेंसिल आपका। एक और पूछ सकते हैं सर, 4 ग्राम हो गया, 4 ग्राम से ज्यादा है 6 ग्राम, मतलब आपका पेंसिल का जो वजन है वो कितना है, 6 ग्राम है ना। इस बिट से हमको पता चल गया कि आपके पेंसिल का वजन कितना है, 6 ग्राम। समझ में आ रहा है? चलिए इस तरह से और भी चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं, वजन कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग वजन करेंगे पेन का, ये पेन है ना, पेन का इसका वजन कितना होगा आप लोग बताइए। आएगी नाजनी, नाजनी आएगी, नाजनी तुम बताएगी इसका वजन कितना है। चलिए इसको बिट्स रख बताइए, इधर घूम जाओ, इधर घूम जाओ, इधर घूम, कहाँ, 1 2 3 कितने हो गए, कस के बोलो, 6 ग्राम। पेन का वजन कितना है, 6 ग्राम। अब सफीना आएगी, सफीना आएगी, और भी कुछ वजन करना है। अब लेते हैं इसको वजन कर लेते हैं, ये इसका, इसको हटाइए, इसको नहीं लाओ, लाओ स्केल, लाओ स्केल, स्केल को रखिए। चलिए रखिए, कितना ग्राम आपका स्केल है वजन कर बताइए, 8 ग्राम हो गया है ना। चलिए समझ गए आप लोग, इसी तरह आप लोग देखते होइएगा दुकान में जाते होइएगा, चावल दाल आटा जितना भी चीज लेते हैं सब वजन करता है ना, इस तरह वजन करता है। चलिए तो आज भर इतना ही, कैसा लगा आप लोग को? अच्छा। आप लोग आज सीख गए भार के बारे में है ना, मापना सीख गए आप लोग, तरल पदार्थ ठोस पदार्थ में। चलिए बहुत अच्छी।